वित्त मंत्री ने पेश किया मोहन सरकार का अंतरिम बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू। देवड़ा बोले, मोदी की गारंटी पर हो रहा है काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को डॉक्टर मोहन सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए का लेखा अनुदान प्रस्तुत किया है। लेखा अनुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। लेखा अनुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव और खर्च की नई मद शामिल नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस की चर्चा भी रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं को ब्लैकमेल कर रही है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा है कि हम गांधी के लोग हैं, गोडसे के नहीं, जो माफीनामा लिख दें। हम पेश होंगे और जवाब देंगे, स्पीकर बोले, औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बिजली प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मंत्री अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और जब भी इस क्षेत्र में जाएंगे औचक निरीक्षण करेंगे, जरूरत होगी तो विधायक को भी साथ ले जाएंगे। रावत ने कहा है कि किसान ने 20,000 रुपए में जेवर गिरवी रख कर पैसा जमा किया है, जब समाधान नहीं होगा तो विधानसभा में आने का क्या मतलब है। उनकी आवाज तेज होने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि वह भी तेज आवाज में जवाब दे सकते हैं, इस मामले में अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा है कि स्थिति ऐसी है, रसीद कटने के 5 दिन बाद बिजली चोरी के प्रकरण बनाए जाते हैं। उन्होंने सदन में विद्या देवी के नाम से कटी रसीद बताई और कहा कि 6,928 रुपए की रसीद कटी गई है, जिसे अवसर रसीद नहीं मिलना बताकर गड़बड़ कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वह जांच की कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट हैं। विधायक रावत ने कहा है कि अगर मंत्री ने जांच कर ली है तो वह संतुष्ट हैं, तो उनके समक्ष जांच कराने में क्या आपत्ति है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।